कुछ लोग मुझे अपने फॉलोअर्स का कमेंट दिखा रहे हैं। सबर करो, तुम्हारे पापा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। हे गाइस, बेटू आई टी हर इस गेम को मतलब ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी सोचोगे बेटू भाई आप ये कैसे कर लेते हो। ठीक है, पहले तो ये फर्स्ट गेम को देख लो। यहाँ पे ये एक नूबड़ा मेरे को बहुत परेशान कर रहा था एंड मेरे को डैमेज भी ले रहा था। हम लोग बस उतरे ही उतरे थे एंड अचानक से फिर मैं इसको डाउन कर देता हूँ। देखो वैसे मैं मोबाइल में खेला था, उतना अच्छा खेल नहीं पाता, बट फिर दोबारा भाई इसके हेड में मार के ना पहले तो डैमेज ले लेता है। यहाँ पे मैं इसको डैमेज लेके फिर जल्दी जाता हूँ। फिर ये आता अगले गेम का सीन। इस गेम में भाई मेरे सारे नूबड़े दोस्त मर चुके हैं, मैं तुम्हारा भाई अकेला जोन में जाके रिवाइव देता है कार से एंड फिर इस जोन से निकलने का ट्राई करता हूँ। वैसे मैं बहुत अंदर आ चुका था, आप देख सकते हो 1000 मीटर के समथिंग मैं जोन में अंदर बैठा हूँ, मतलब 500 से तो ऊपर ही है जहाँ पे मेरे बंदे जा रहे हैं, उस जगह मेरे को जाना था। एंड दोबारा भाई कैसे यहाँ से निकलता है, तुम तो एकदम देख के शॉक हो जाओगे। देखो ऐसे गेम चलते हैं ना तो बहुत मजा आता है कि मजा आ रहा है कि हार्ड गेम आया तो ना खेलने में भी मन लगता है। बट कुछ गेम ऐसे हो जाते हैं ना भाई जहाँ पे लोल हो जाता है पूरा गंदा वाला। आप इस गेम को ले लो, यहाँ पे गंदा वाला माइनस लग जाता है गाइस, सबका लग जाता है। एंड इस गेम में ना गाइस हमारा वो नहीं चल रहा होता पिंग भाई, पूरा गंदा वाला पिंग होता सबका हाई। एंड यहाँ पे इन महान पुरुष से मिली है भाई, ये थे हमारे गैंगस्टर भैया जो लगाए थे जादू। और भाई ये जादू लगा के ऐसा वैसा नहीं, ये बहुत बड़े प्रो बन रहे थे। पता है गेम में इनने 16 किल कर चुके थे एंड हमारे स्क्वाड को भी इन्हीं ने मारा था। पहले तो हम भी शौक हो गए भाई, पहले तो हम जब गेम खेल रहे थे तब मैंने देखा कि भाई एक बंदा है गैंगस्टर नाम का, बहुत अच्छा मार रहा है ग्रो जाते। फिर एक पल के लिए हमको शौक लगा भाई ज्यादा ही अच्छा मार रहा, फिर हम समझ गए कि भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा मार रहा है। हाँ तो ये बहुत बड़ा वाला प्रो प्लेयर है, मीनस सर्वर से आया हुआ है। अब फिर तुम्हारा भाई ना इसको देखने लग गया, तुम्हारे भाई ने सीधे रिकॉर्डिंग ऑन करी ना एंड यहाँ पे भाई तुम्हारे भाई को जादू दिख जाता है। भाई देखो कितना गंदा मार रहा है एंड इसको ना एग्जैक्टली लोकेशन भी दिख रही थी बंद होकर एंड ये मार देता। बट तुम्हारे भाई का यहाँ सेकंड थर्ड हुआ था क्योंकि इसके हाथों में एक बार मर चुका था एंड दोबारा जिंदा हुआ था। बट फाइनली थर्ड फोर्थ के समथिंग गेम में मरा था तो मेरा माइनस नहीं हुआ था, थोड़ा सा माइनस आया जो उसने किल नहीं करने दिया, 4 ही किल हो पाए थे मेरे। बट कोई ना, तुम्हारा भाई तो प्रो है, अगले गेम में फिर से किल कर देगा। लेकिन बहुत गुस्सा आई थी इस पर, कुछ भी कहो गाइस। लेकिन गाइस रात के बाद मेरे को पता चला ना, उससे पहले आप ग्रुप में देख सकते हो एक और बेटू भाई टिया। अब तुम्हारे भाई ने सोचा मैं भी ड्रेस चेंज करूंगा एंड मैंने भी जाकर पहले तो बैकपैक हटाया एंड यहाँ पे दो बेटू भाई बन के यहाँ पे गेम स्टार्ट करते हैं। एंड लॉबी में तो भाई बहुत गंदा रिएक्शन आ रहा था, बट हम लोग गेम प्ले पे ध्यान दे रहे थे भाई। कुछ बंदे ना उसको असली बेटू आई टी समझ रहे थे जब मैं ड्रेस चेंज कर रहा था ना लॉबी में, उससे टीम अप कर रहे थे एंड मेरे को लो लिमोट देके जा रहे थे भाई। मेरे को कोई भाव भी नहीं दे रहा था उस वक्त। इस गेम में भी हैकर, मतलब हमारे बहुत सारे गेम में हमको हैकर मिला बट तुम्हारा भाई फिर भी कैसे करके यहाँ पे खेल रहा है। लेकिन एक बात बोलूंगा, जो बंदे अभी टॉप 1 या टॉप 2-3 पे आपको दिख रहे होंगे कुछ बंदे, बहुत जल्दी उनकी आईडी चली जाएगी। वैसे ये नहीं कह रहा तुरंत चली जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आखिर ग्लिच यूज जो हो रही है। तुम्हारे भाई ने ग्लिच का यूज नहीं किया, अगर मैं भी ग्लिच करूँ तो भाई इजिली टॉप 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट अपन फेयर तरीके से खेला है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत गंदा वाला सरप्राइज आ रहा है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलना। गाइस यहाँ पे हम सब मर चुके थे एंड छानी नूबड़ा गाइस अकेला बचा था। एंड गाइस यहाँ पे देखो ये पेड़ के पीछे लेटा है, मतलब के कैरेक्टर लगा के एंड मेरे को लग रहा था ना अभी कोई बंदा आएगा इसको मार देगा, बट इसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। मतलब हर तरफ बंदे गाइस देख सकते हो, 10 बंदे अलाइव है स्टिल, इसको जोड़ के 9 अनदर बंदे एल शेप पे बंदे आप वो मतलब नॉर्मल वो रिच के कवर में घूम रहे हैं एंड स्क्वाड के स्क्वाड तो ऐसे ही घूम रहे हैं, बट इसको अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया। एंड यहाँ पे अगर इस वक्त ये जोन से निकलता ना तो नोटिस कर लेते भाई, इसने बैरिकेड मारी एंड उसके बाद यहाँ से निकला। लेकिन कुछ भी गाइस सानी को मारना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे ना वो ऐसे लेट के इसमें छुप गया, मतलब आप देख सकते हो इतनी भी बड़ी घास नहीं है फ्री फायर की। बट अगर मैं ये कहता हूँ गाइस, अगर आप लोग भी कोई बंदा खेल रहे हो ना, ब्रेक डांसर बंडल लेके खेला करो। अगर आप लेट भी जाओगे या फिर एक लाइट पास है जिसमें पूरा ग्रीन, अगर उससे कहीं लेट भी जाओगे ना लिटरली बंदा पहचान नहीं पाता। एंड आपको पता होगा काफी पुराना लाइट पास है जिसमें पूरा घास वास जैसा ड्रेस है, फिर धीरे धीरे करके शानी आगे बढ़ता है। बट मेरे को पता था बोया तो नहीं हो सकता, लेकिन वही देख रहा था कि शानी आखिर कब तक जिंदा रह सकता है। लेकिन भाई इसने पूरी ट्राई किया था जिंदा रहने का एंड जब ये आगे बढ़ता है ना। लेकिन गाइस यहाँ पे ना शानी की कोई गलती नहीं थी, वैसे गलती तो थी कि वो नूबड़ा है, बट फिर भी गाइस यहाँ पे जब वो देखना ग्लू डालता है, बट यहाँ पे वो बिल्कुल सेफ खड़ा था, किसी के नोटिस में नहीं आ रहा। बट एक महान बंदा जो आसमान से लैंड करता है ना, वो पूरा गेम बिगाड़ देता, वरना शायद चांसेस थे यहाँ पे बोया भी हो सकता था इजीली, क्योंकि अदर स्क्वाड फाइट करती सानी पे जोन भी था। ठीक है, पूरा जोन के अंदर बैठा था, किसी को कोई खबर भी नहीं थी कि यहाँ पे कोई बंदा, बट ये नूबड़ा जोकर यहाँ ऊपर से कूद के ना पूरा मैच बिगाड़ देता। इससे क्या मैप में ये फायर कर देता और बंदों को भी लोकेशन पता चल देता, इस पर रश मारने आ जाते हैं, सानी इसको भी ले जाता, बट अगले बंदे से ये मर जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता।
एंड गाइस यहाँ पे इस बंदे से मर जाता है एससी कोबरा से, बट चलो कोई नहीं। लेकिन ये चोकर नुबड़ा नहीं आता ना, तो यहाँ पे वो इजीली टॉप तो निकाल ही देता। लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारे भाई का जलवा ये लगा, तुम्हारा भाई सबसे खतरनाक खेल रहा था ग्रुप में, मेरे को कोई लग नहीं रहा था। इस मैच में हम डायमंड 4 पे हो गए थे, काफी ज्यादा करीब थे हीरो ही पहुंचने के। एंड अगले गेम में देखो गुजरात वाले भैया यहाँ से अकेले कैसे भाग रहे हैं, एंड इन पे फायर हो रहा है हर तरफ से, बट हाँ इनको कोई डैमेज नहीं पड़ा। अगर आपको भी खेलना है तो भाई पैन पीछे लगा के भागा करो, हाथ में कुछ पकड़ के, धीरे धीरे जोर और छोटा होता है। एंड मेरे दोनों दोस्त अलग अलग कोने में बैठे होते हैं, गुजरात वाले भैया इधर बैठे होते हैं, दीपांकर लेफ्ट साइड में बैठा होता है। दीपांकर एक को मतलब ऐसा फायर देता है दिखावे के लिए, बट यहाँ पे गुजरात वाले भैया उस पर टारगेट ले रहे थे, ठीक है। दीपांकर ना केवल उसको बाहर निकालने का काम कर रहा था, एंड मेन फोकस था कि गुजरात वाले भैया इधर से ड्रैगन अप से फिनिश कर देंगे उस बंदे को उल्लू बना के। एंड गाइस ये प्लान ना एग्जैक्टली काम भी कर जाता है। दीपांकर देखना गाइस, दीपांकर वहां से उसको ओपन में बुलाएगा जैसे तैसे करके, एंड यहाँ से मेन फोकस था कि गुजरात वाले भैया ड्रैगन अप मारेंगे, ठीक है। एंड ये एग्जैक्टली ट्रिक काम भी कर जाती है, मतलब कोई और क्या बोलूं इस चीज को मैं। एंड गाइस दीपांकर का गाइस MP40 देखना वो कहां चला रहा था, लेकिन फाइनली जैसा प्लान था गुजरात वाले भैया उसको मार देते, फिर धीरे धीरे करके ये मैच को हम बोया ले लेते हैं। बट अगले मैच में क्या होता है गाइस, यहां पे लॉबी में मेरे को बंदे पहचान जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके एक स्क्वाड आता है, ये अच्छा स्क्वाड था, पुसर स्क्वाड था, ये मेरे को पहचान जाता है। एक येलो क्रिमिनल भी था लॉबी में, बट उसने मेरे को भाव भी नहीं दिया। लेकिन लास्ट में जब येलो क्रिमिनल देख लेता है ना, तो वो मेरे पास आगे खड़ा होता है। लेकिन फिर क्या था, मैच स्टार्ट होने वाला था गाइस, देखो येलो क्रिमिनल आ गया था, बट उसके बाद मैच स्टार्ट हो गया था। एंड यहाँ पे देख सकते हो गुजरात वाले भैया अकेले बचे थे, एंड यहाँ पे एक बंदे को डाउन ले जाते, जोन में इतना कोने में तो बैठे थे, बॉस गिल्ड का कोई बंदा था, बॉस काजल नूबड़ी लड़की भाई हिप हॉप बंडल के हाथों मर गए। मैं तो कभी नहीं मरता हिप हॉप बंडल के हाथों का इस रैंक गेम के अंदर, मतलब बुरी तरह। लेकिन हाँ सोलो वर्सेस स्क्वाड में तुम्हारा भाई बहुत गंदा मार देता है। सोलो वर्सेस स्क्वाड इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि मोबाइल में मेरे को खेलने की उतनी अच्छी आदत नहीं है, बट पीसी में तुम्हारा भाई गॉड बन जाता है। यहाँ पे हम इस बंदे के हाथों मर जाते हैं ना, बट ये बंदा मारने का टीम अप कर रहा था क्योंकि उसे पता था हम कौन से स्क्वाड के बंदे थे गुजरात वाले भैया। बट जैसे तैसे हमारा यहाँ पे थोड़ा और प्लस होता है। एंड गाइस देखो इस गेम में तो भाई अलग ही सीर हो गया मेरे साथ, मतलब मैं मिल पे यहाँ पे गाड़ी पे बैठा था, मैं एक्जेक्टली रात में खाना खा रहा था, पता नहीं सो रहा था, मेरे को याद नहीं है। बट यहाँ पे ना देखो गाइस क्या होता है यहाँ पे, मतलब मेरे को पहले पता होता तो ऐसे तो मैं कभी भी यहाँ पे मिल पे आता, गाड़ी पकड़ता एंड यहाँ पे एंटर कर देता, कोई बंदा मेरे को छू भी नहीं पाता। गाइस ये कल रात को मेरे साथ हुआ था।